सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपके इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश वसीम। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको 18 अप्रैल के लिए कौन से स्टॉक्स लेने हैं और कौन कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या एनालिसिस है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैंने आपके लिए 16 अप्रैल यानी कि 16 अप्रैल के लिए वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्टॉक्स सजेस्ट करे थे, एस्कॉर्ट्स, जस्ट डायल, इंडिया बुल वेंचर्स, नेल्को और LIC हाउसिंग फाइनेंस। कल के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मुझे कुछ काम था तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, पर जो मैंने उससे पिछली वीडियो आपके लिए बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको जाके देखिए। तो मैंने उसमें आपको जो स्टॉक सजेस्ट करे थे जिसमें से सिर्फ एक जस्ट डायल सेल साइड में था और सारे बाय साइड में थे, तो उन सबके टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिख गए थे। और आपने देखा होगा कि इंडिया बुल वेंचर्स ने आपको बहुत अच्छे रिटर्न दिए होंगे अगर आपने मेरे कहने से उसे होल्ड करके रखा होगा, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ अगर हमारा सेकंड टारगेट हमें अचीव हो जाता है और उसके ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो आपको सेकंड टारगेट को अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अपने स्टॉप लॉस को आप और ऊपर लेकर जा सकते हैं और सेकंड टारगेट पर रख सकते हैं और आप अपने स्टॉक के मोमेंटम के साथ चल सकते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इससे आपको लॉस तो कुछ नहीं होगा, उल्टा आपको प्रॉफिट ही होगा आपके सेकंड टारगेट तक, अगर वो स्टॉक बाय चांस नीचे आ भी जाता है तो। तो अगर आपने उन इंडिया बुल वेंचर्स को बाय करके चला होगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिले होंगे। और ये जो स्टॉक्स मैंने सजेस्ट करते हैं इसमें आज भी हमने कहे तो अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी थी, और मैंने आपको बताया था कि नेल्को को बाय करके चलिए तो देखा था हमने कि एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस थे, एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए, जिससे सबसे ज़्यादा इन मेटल शेयर्स को फायदा हुआ था, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ था। तो अब कौन से स्टॉक्स कल आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड रह सकता है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। भारतीय एयरटेल, टाइटन, NIIT टेक, माइंडट्री ऑफ रिटेल यानी फ्यूचर रिटेल, तो ये पांच स्टॉक्स है बाय या सेल साइड में। तो हम देखते हैं भारतीय एयरटेल बाय करने की सलाह दी जाएगी। हमने देखा है कि ये अपने 550 के लेवल से 550 के लेवल से 350 तक आ चुका है और अब ये पता नहीं है और कितना करेक्ट कर सकता है। पर अगर हम इंट्राडे की बात करें तो आज हमने देखा इंट्राडे में लास्ट में इसमें अच्छी खासी मूव आई है और शायद ये और ऊपर तक जा सकती है ये एक दो दिन के अंदर अंदर, तो हम इसे बाय करने की सलाह लेंगे 385.30, 388 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 377 का लगा के चलना होगा। टाइटन बाय करने की सलाह दी जाएगी, 1000 का लेवल इसने क्रॉस नहीं करा पर 999 पे जाके इसने अपना हाई बनाया था और मेरे चार्ट्स में भी शो कर रहा था ये 1000 के ऊपर जाएगा, पर 1000 के ऊपर ही नहीं गया, 1000 लेवल को इसने क्रॉस नहीं करा, पर हम देख सकते हैं कि कल ये कर सकता है और बहुत अच्छा स्टॉक है। 1010, 1035 के लेवल हमें कल ही देखने को मिल सकते हैं। 992 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। NIIT टेक बाय करने की सलाह दी जाएगी, अच्छा है इसमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनते हुए हमें देखा है, 941, 946 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 929 का लगा के चलना है। हम देख रहे हैं कि जो ये डॉलर जो हमारा इंडियन रुपीज है वो बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं जो US डॉलर है 65.65 के या 65.50 के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, तो इनसे जो IT सेक्टर्स की कंपनीज हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। चार्ट में भी स्ट्रांग लग रहा है और अगर मार्केट ओपन होती है कल और 65.50 के ऊपर जाके अगर हम बात करें तो डॉलर ऊपर खुलता है 65.50 के ऊपर, तो हम कह सकते हैं ये स्टॉक और मोमेंटम भी दिखा सकता है, तो इसको बाय करने की सलाह दी जाएगी। अब आते हैं माइंडट्री के ऊपर, तो माइंडट्री में भी आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है और इसके कल तिमाही नतीजे यानी हम कह सकते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे लग रहा है कि अच्छे आएंगे। एनालिस्ट जो मोतीलाल ओसवाल रिसर्च कंपनी है वो भी कह रही है कि अच्छे रिजल्ट्स आने के इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, तो बाय करने की सलाह दी जाएगी, रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। कल थोड़ी वॉलीटिलिटी इसमें रह सकती है माइंडट्री पे ऊपर और डाउन साइड और अपसाइड के बीच में, तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का रखना पड़ेगा, 887 का स्टॉप लॉस, 889, 896 के टारगेट के साथ। शायद मार्केट खुलते वक्त माइंडट्री थोड़ा सा नीचे खुले क्योंकि वॉलीटिलिटी के साइड में लोग अपना बेचने पोजीशंस काटने की कोशिश करें, पर हम देख सकते हैं कि वापस ये अपसाइड जरूर दिखाएगा, तो स्टॉप लॉस को आप थोड़ा ट्रेल करके नीचे और ला सकते हैं।
फ्यूचर रिटेल बाय करने की सलाह दी जाएगी। हमने देखा कि 1 घंटे के अंदर इसमें अच्छा खासा हमने इसमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनते हुए देखा और अपने लेवल्स को इसने टेस्ट करा है। अब हम कह सकते हैं कि 316 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 323, 6:31, 6:23 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 613 का लगा के चलना होगा। हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था और जो टारगेट आपको बताए थे, लास्ट टारगेट जो सेकंड टारगेट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 10,560, उसका ही हाई बनाया आज हमने देखा और वहीं से जाके हमने इसमें सेल ऑफ आते हुए देखा और ये कुछ पॉइंट्स नीचे जाके क्लोजिंग दी। पर हम कह सकते हैं कि ये 9 दिन हो गए, नेक्स्ट 9 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी या कह सकते हैं हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही वो अपने उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा और हम मार्केट को और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखी होंगी पिछले, तो उसमें मैंने आपको चार्ट्स दिखाए थे, तो उस चार्ट्स को आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 10,400 के ऊपर जैसे ही गया, उसके बाद हमने इसमें क्लियर ब्रेकआउट आते हुए देखा। और जब मैं आपको जो टारगेट शो कर रहा हूँ और जो स्टॉप लॉस शो कर रहा हूँ वो बहुत दूर के शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंट्राडे में इसमें वर्क करना है। इसमें मैं आपको पोजिशनली 1 या 2 हफ्ते का यानी कह सकते हो तो अप्रैल सीरीज का पूरा ट्रेड बता रहा हूँ, इसी रेंज में रह सकता है। बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हम कह सकते हैं कि 10,300 में आ गया है और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 10,400 में आ चुका है और जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो 10,700 या 10,610 का कर रहा है। तो जैसे ही 10,600 को क्रॉस करेगा तो 10,700 तक सीधा बढ़ने की इसमें पॉसिबिलिटी है और मुझे नहीं लगता कि वो शायद 10,380 को आने वाले 2 या 3 दिन में तोड़ेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करूंगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस मैं आपको 10,300 का तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। ये 250 पॉइंट की रेंज है ऊपर या नीचे जो आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है इस अप्रैल सीरीज के अंदर। तो मैंने आपको जो बताया था बैंक निफ्टी में टारगेट 25,400 रुपये का, वो 25,400 का ही आज उसने हाई बनाया और उसके बाद जाके हमने उसमें क्लोजिंग देखी। तो चार्ट हमें बता देता है कि कहां तक जाने की मोमेंटम है, कहां से गिरेगा, कहां तक बढ़ेगा। तो अब लग रहा है कि 25,700, 25,650 जो इसका टारगेट है वो हमें आते हुए देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस आपको 25,050 का ही लगा के चलना होगा। ये एक रेंज है जिसके बीच में मार्केट रह सकती है। तो वॉच करके बैंक निफ्टी निफ्टी को जरूर चलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, यूएस मार्केट को वॉच जरूर करिए। अगर उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव न्यूज आती है तो वो मार्केट को और गिरा सकती है और उसकी वजह से शायद हमारे स्टॉक्स भी ना चल पाए। और यूएस डॉलर ये अगर हम बात करें तो कर्नाटक के इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसको भी वॉच करके चलना है, उसके बेसिस पे हमारी मार्केट रिएक्ट कर सकती है। और मेन बात जो है अर्निंग्स 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 जो अर्निंग्स आ रही है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट और ऊपर जा सकती है क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और उम्मीद है कि और अच्छे आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को शेयर करिए बहुत लोगों के साथ, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ, कि वो भी प्रॉफिट अर्न कर सके इंट्राडे से स्टॉक मार्केट से और वो भी कह सके कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार नहीं है, इससे भी हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इससे भी हम अपनी इनकम कर सकते हैं। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।